कहते हैं ना कि अगर आपकी दृढ़ शक्ति मजबूत हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। 40 से 45 दिनों का समय बचा हुआ है आपके पास, और इस 40 से 45 दिनों में अगर आपकी दृढ़ शक्ति मजबूत है तो आप बिल्कुल इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। बेहतर तरीके से तैयारी कीजिए, रिवीजन पे ज्यादा फोकस रखिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व कीजिए, टेस्ट सीरीज जितना ज्यादा हो सके उतना अटेम्प्ट कीजिए। तो बेहतर तरीके से तैयारी करते रहिए, 40-45 दिनों का समय बचा हुआ है, सब कुछ छोड़कर सिर्फ और सिर्फ अगर फोकस रखिए तो अपने प्रिपरेशन पर रखिए, अपनी तैयारी पर रखिए, स्मार्ट स्टडी करिए, रिविजन बेहतर तरीके से लीजिए, क्योंकि बिना रिविजन आप कुछ भी नहीं कर सकते। फर्स्ट ईयर रिविजन में जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं उसको ईमानदारी से अटेम्प्ट कीजिए, हर एक क्वेश्चन पे जो दो चार कॉन्सेप्ट निकलते हैं उसे समझने का प्रयास कीजिए, उसके आसपास से कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं उसे भी समझने का प्रयास कीजिए। तो 40 से 45 दिनों का ही समय बचा हुआ है और इस पर जो पूरा फोकस होना चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ आपके प्रिपरेशन पे होना चाहिए। ये सारे एंजॉयमेंट छोड़ दो, सिर्फ और सिर्फ इस 40 से 45 दिनों के बीच में अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए। अगर एक बार एग्जाम क्रैक हो गया तो बहुत मजा आएगा, बहुत एंजॉय करोगे, तो प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए। चलिए, और आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम 19 दिसंबर से लेकर 26 दिसंबर के बीच में जितने भी छत्तीसगढ़ के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं करंट अफेयर्स से रिलेटेड, उन सबको यहाँ एनालिसिस करने वाले हैं। इसके अलावा अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो वो आपको कहाँ मिलता है, टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम का चैनल का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप डायरेक्ट कॉम्पिटिशन कम्युनिटी सर्च करके भी टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहां से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप छत्तीसगढ़ की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भरोसा रखिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस चैनल से आपको छत्तीसगढ़ के सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी बेहतर तरीके से कराई जा रही है, क्लियर है? चलिए ठीक है, और हाँ, सेशन पसंद आने पर लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों तक इसे शेयर जरूर कीजिएगा। पिछले लेक्चर में हमने जितने टॉपिक्स को एनालिसिस किया था उस टॉपिक्स के आधार पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। और हाँ, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि सर क्वेश्चन का आंसर भी बता दिया कीजिए, तो इस क्वेश्चन के जो भी आंसर होंगे आप पहले कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा और इस सेशन के लास्ट में मैं इस सारे क्वेश्चन का आंसर आपको बता दूंगा इसी सेशन में। तो पहले आप अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा आंसर में, सेशन के लास्ट में भले दूंगा, ईमानदारी से करिएगा, जो भी करो ईमानदारी से करो, सब कुछ होगा, क्लियर? चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली की प्रजा फाउंडेशन द्वारा शहरी गवर्नेंस इंडेक्स 2020 जारी की गई और इस रैंकिंग को पूरे देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार से रहा, अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा, हालांकि मैं आपको आंसर प्रोवाइड कराऊंगा इस वीडियो के एंड में, लेकिन क्वेश्चन को अटेम्प्ट पहले आप करेंगे, पहले आप करेंगे, ठीक है? चलिए, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने प्रदेश की हरेली त्यौहार से गोधन न्याय योजना की शुरुआत की और इस योजना के तहत कितने रुपए प्रति किलो की दर से गोबर की खरीदी की जा रही है? ऑप्शन इस प्रकार से रहा, आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में। चलिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कहां अत्याधुनिक फिल्म सिटी का निर्माण किया जा रहा है? ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार से रहा, आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में करिए। और अभी तक आपने अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कर ले या फिर डिस्क्रिप्शन में चले जाए, सॉरी प्लेलिस्ट में चले जाए, वहां से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां से उस वीडियो को देख लीजिएगा। अगर आपने पूरे साल भर इस वीकली सेशन को अटेम्प्ट कर लिया है तो ये सवाल ही नहीं उठता कि आपसे परीक्षा में क्वेश्चन न बने, हर एक सवाल बनेगा करंट अफेयर का अगर पूरे साल भर आपने इस वीकली सेशन को फॉलो किया है तो, ये आपसे मेरी गारंटी है, क्लियर? क्योंकि कुछ बचता ही नहीं है, हम सब कुछ एनालिसिस कर लेते हैं, तो इतना भरोसा रखो और इसे पढ़कर जाओ। चलो बढ़ रहा जो क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा कहां प्रदेश के पहले गोधन एम्पोरियम का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार से रहा, आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में करिएगा। चलिए, इसके बाद आज का हम अपना एनालिसिस शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है ये आपके मेंस एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसके साथ प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। टॉपिक का नाम क्या है, छत्तीसगढ़ के चिराग परियोजना हेतु हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने फंडिंग करने की अनुमति दे दी है और वर्ल्ड बैंक द्वारा जो इस परियोजना को फंडिंग किया जाएगा वो लगभग 1030 करोड़ रुपए का होगा। तो सबसे पहले आपके लिए यहाँ पर ये जानना जरूरी हो जाता है कि ये चिराग प्रोजेक्ट है क्या। तो ये चिराग का फुल फॉर्म है, याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ इंक्लूसिव रूरल एंड एक्सेलरेटेड एग्रीकल्चर ग्रोथ प्रोजेक्ट। यहाँ पर नाम से आपको दो चीजें समझ आई होंगी, एक चीज ये कि ये जो है एग्रीकल्चर सेक्टर यानी कि कृषि क्षेत्र के लिए है और खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के कृषि क्षेत्र को बूस्ट करने के लिए इस प्रोजेक्ट को चलाया गया है जिस प्रोजेक्ट का नाम है चिराग प्रोजेक्ट। और इस चिराग प्रोजेक्ट पर फंडिंग किया जा रहा है वर्ल्ड बैंक की तरफ से और ये फंडिंग की जो रकम है वो लगभग
बजट आपका 1030 करोड़ रुपए है, जिस पर हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने अनुमति दे दी है। क्लियर है? चलिए अब यहाँ पर ये याद रखिएगा कि यह चिराग प्रोजेक्ट की जो अवधि है यानी कि टेन्योर है इसका 6 वर्ष का। क्लियर है? और इस परियोजना पर जैसे मैंने आपको बताया कि लगभग 1030 करोड़ यानी कि 1036 करोड़ रुपए के आसपास जो है वो प्रस्तावित है खर्च करना। और इसके अलावा कौन कौन से छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में इस प्रोजेक्ट को चलाया जाएगा, तो बस्तर संभाग के 7 जिले शामिल है और इसके अलावा 1 जिला शामिल है आपका मुंगेर। इसको और तोड़े तो बस्तर संभाग के 13 विकास खंडों में इस प्रोजेक्ट को चलाया जाएगा। एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्ट करने के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में डेवलपमेंट के लिए इस पैसे का खर्च किया जाएगा चिराग प्रोजेक्ट के तहत। और इसके अलावा मुंगेली जिले का 1 विकास खंड है, मुंगेली विकास खंड, इसमें भी खर्च किया जाएगा। और इस विकास खंड के लगभग 1000 गांवों को शामिल किया गया है। तो चिराग प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैंने बताया, बस इतना ही याद रखिए आपका मुख्य परीक्षा में यानी मेंस एग्जामिनेशन में वैल्यू एडिशन का भी काम आएगा। और इसके अलावा वन डे एग्जाम में अगर आपसे चिराग प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपसे यहाँ बहुत आसानी से बनेगा। क्लियर? चलिए अगले टॉपिक की तरफ बढ़े। छत्तीसगढ़ की प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत कब हुई थी, चलिए बताइए। प्रधानमंत्री आवास योजना को स्टार्ट किया गया था जून 2015 में। और छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा एक स्कीम शुरू किया गया और उस स्कीम का नाम क्या था, मोर जमीन मोर मकान योजना। और इसे कब शुरू किया गया, इसे छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आपका 2016 में शुरू किया गया। तो सबसे पहले आप प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी क्षेत्र के बारे में याद रखिए, इसे शहरी विकास मामलों के मंत्रालय द्वारा कब शुरू किया गया आपका 2015 में, जून 2015 में। और छत्तीसगढ़ में इस स्कीम को इंप्लीमेंट करने के लिए एक नया स्कीम शुरू किया गया छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 2016 में, उस स्कीम का नाम था मोर जमीन मोर मकान योजना। अब प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी क्षेत्र छत्तीसगढ़ के लिए इसलिए न्यूज में है क्योंकि 1 जनवरी 2021 को छत्तीसगढ़ को इस स्कीम में बेहतर कार्य करने के लिए कुछ पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो वो पुरस्कार इस प्रकार से है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वन डे एग्जाम के लिए। डोंगरगढ़ को सर्वश्रेष्ठ नगर पालिका का पुरस्कार दिया जाएगा इस स्कीम के तहत बेहतर कार्य करने के लिए। तो डोंगरगढ़ को याद रखिएगा, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले नगर पालिकाओं की श्रेणी में पुरस्कृत किया जाएगा इस स्कीम के तहत। कब किया जाएगा, तो 1 जनवरी 2021 को। किसके द्वारा किया जाएगा पुरस्कृत, तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। डोंगरगढ़ से रिलेटेड यहाँ पर एक फैक्ट और आप याद रखिएगा, हालांकि इस टॉपिक का हिस्सा नहीं है लेकिन करंट अफेयर से रिलेटेड है, मैंने आपको पढ़ाया भी है। डोंगरगढ़ जो पर्यटन स्थल है, भारत के पर्यटन मानचित्र में छत्तीसगढ़ का एकमात्र शहर शामिल हुआ है और उस शहर का नाम है आपका डोंगरगढ़। क्लियर है? इसे याद रखिएगा। इसके अलावा दूसरा पुरस्कार कौन सा मिलेगा, सर्वश्रेष्ठ आवास के लिए यहाँ पर कुछ लोगों को पुरस्कृत किया जाएगा, जिसमें से पहला नाम है श्रीमती अंजू साहू। अंजू साहू जो है वो धमदरी की रहने वाली है। और इसके अलावा मुमताज बेगम भी जो है वो आपके धमदरी की ही रहने वाली है। और इसके अलावा ममता वर्मा जो है वो कवर्धा की रहने वाली है। तो इन तीनों को भी जो है बेहतर आवास के लिए 1 जनवरी 2021 को पुरस्कृत किया जाएगा। क्लियर? चलिए बढ़े अगले टॉपिक की तरफ। अगला जो हमारा टॉपिक है, 2 सालों में जब से छत्तीसगढ़ में नई सरकार का गठन हुआ है तब से छत्तीसगढ़ में इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में अब तक 103 एमओयू साइन किया गया है। एमओयू का मतलब क्या होता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी कि इन्वेस्टमेंट के लिए छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का जिस कंपनी के साथ में एमओयू हुआ उनकी टोटल संख्या 103 है पिछले 2 वर्षों में। क्लियर है? याद रखिएगा, वर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसके अलावा इसके जो डेटा है वो आपके मेंस एग्जामिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। कैसे, तो देखिए अब तक जो ये 103 एमओयू हुए हैं उसके तहत 42,155 करोड़ रुपए का निवेश जो है, इन्वेस्टमेंट जो है छत्तीसगढ़ में प्रस्तावित है। क्लियर है? और इससे प्रदेश में लगभग 62,000 से अधिक युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकते हैं, कुछ प्राप्त हुए भी हैं। जैसे जैसे ये एमओयू जो प्रस्तावित है वो आगे बढ़ेगा, डेवलपमेंट का कार्य आगे बढ़ेगा, उसके बाद युवाओं को यहाँ पर रोजगार उस हिसाब से मिलते जाएगा। क्लियर है? और पिछले वर्षों में छत्तीसगढ़ में 464 नए स्टार्टअप्स की शुरुआत भी की गई है। और खासकर जब इस डेटा को आप पढ़ोगे तो इसमें आपको एक चीज सुनने को मिलेगा, छत्तीसगढ़ का इंडस्ट्रियल पॉलिसी। ठीक है, छत्तीसगढ़ का जो नया इंडस्ट्रियल पॉलिसी है वो कब शुरू किया गया, तो ये शुरू हुआ आपका 1 नवंबर
2019 को। और यह इंडस्ट्रियल पॉलिसी कब तक चलेगा? आपका 31 अक्टूबर 2024 तक। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपका प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। अब इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी में हाल ही में संशोधन किया गया, अमेंडमेंट किया गया इस तरह से, अगर कोई कंपनी छत्तीसगढ़ में मेगा इन्वेस्टमेंट डालना चाहती है, बड़ा इन्वेस्टमेंट डालना चाहती है, तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की तरफ से इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव यानी कि निवेश प्रोत्साहन 500 करोड़ रुपए का दिया जाएगा। और अगर कोई कंपनी बस्तर क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट लेकर आती है मेगा प्रोजेक्ट के तहत, तो उसे 1000 करोड़ रुपए का जो निवेश प्रोत्साहन है वो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा यानी कि इन्वेस्टमेंट और इंसेंटिव दिया जाएगा। क्लियर है? चलिए बढ़िया आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चलिए, ये है हमारा अगला टॉपिक, छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र 2020। और देखिए एक बात और कि अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो तो बेहतर तरीके से करो। अगर आपको ये लगता है कि मैं इस एग्जाम को क्रैक कर सकता हूँ तो लग कर करो, जी तोड़ मेहनत करो। और अगर आपके मन में कहीं थोड़ा सा भी शंका है कि मैं नहीं कर पाऊंगा तो अभी फिलहाल पीछे हट जाओ, क्योंकि समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है, उसी समय को कहीं और यूटिलाइज करो। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं इस एग्जाम को क्रैक कर सकता हूँ तो जरूर लगो और जी तोड़ मेहनत करो। बिना मेहनत किए, बिना स्मार्ट वर्क किए आप इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते। डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ, क्योंकि सबसे कीमती अगर कोई चीज है तो है आपका समय, इससे बड़ी कीमती चीज कोई नहीं है। तो अगर इस एग्जाम के प्रिपरेशन में अपना समय लगाना चाहते हो तो बेहतर तरीके से लगाओ, ताकि आपका भी समय बर्बाद ना हो, आपकी फैमिली का भी टाइम वेस्ट हो। क्लियर है? ईमानदारी से मेहनत कीजिएगा। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र जो 2020 में शुरू हुआ, कब से शुरू हुआ? वो हुआ आपका 21 दिसंबर 2020 से। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है शीतकालीन सत्र कब से कब तक चला, कितने दिनों का चला, तो यह 10 दिवसीय शीतकालीन सत्र है जो कि कब तक चलेगा आपका 30 दिसंबर 2020 तक। क्लियर है? और इस शीतकालीन सत्र में जो मुख्य फोकस रहा वो आपका अनुपूरक बजट रहा। तो अनुपूरक बजट क्या होता है? अनुपूरक बजट मतलब कि जो मुख्य बजट होता है उसके बाद सरकार को ऐसा महसूस होता है इस सेक्टर में डेवलपमेंट के लिए कुछ और फंडिंग की जरूरत है, तो फिर जब भी सत्र होता है विधानसभा का तो सरकार वहां पर एक नया अनुपूरक बजट रखती है, यानी कि इस क्षेत्र में और पैसे की जरूरत है, एक्स्ट्रा पैसा लगेगा, तो वो अगर सरल शब्दों में कहें तो अनुपूरक बजट है। तो जो पहला अगस्त में अनुपूरक बजट आया था इस फाइनेंशियल ईयर का यानी कि 2021 का, वो कितने करोड़ रुपए का था जो अगस्त में आया था? 307 करोड़ रुपए का था। और जो दूसरा अनुपूरक बजट आया है इस फाइनेंशियल ईयर का इस शीतकालीन सत्र में, वो कितने का है? 327 करोड़ रुपए का है। दो अनुपूरक बजट आ चुका है। अनुपूरक बजट से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं वनडे एग्जाम में, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। जब 2020 और 21 का बजट आया था आपका मार्च के महीने में, तो बजट कितने का अनाउंस किया गया था? आपका 1,02,907 करोड़ रुपए का आपका बजट था। और इस अनुपूरक बजट के बाद यानी कि दोनों अनुपूरक बजट को अगर हम मिला लें तो ये बजट हो चुका है आपका कुल कितना? 1,09,101 करोड़ रुपए का। क्लियर है? चलिए, तो शीतकालीन सत्र से रिलेटेड आप इन चीजों को याद रखिएगा। चलिए, इसके अलावा कुछ वैल्यू एडिशन की बात करते हैं। यहाँ पर आप बताइए मुझे कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रमुख सचिव कौन है, उनका नाम क्या है? चलिए आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, जरूर बताइएगा छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रमुख सचिव कौन है। ठीक है, चलिए, इसके अलावा ये बताइए छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? चलिए मैं बता देता हूँ, चरणदास महंत छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के उपाध्यक्ष कौन है, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि अगर विधानसभा से रिलेटेड यहाँ पर टॉपिक्स एनालिसिस कर रहे हैं तो ये चीजें भी करंट अफेयर से रिलेट करती हैं, तो यहाँ से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। ध्यान रखिएगा इन सारी चीजों को कवर करते चलिएगा। चलिए, इसके बाद जो नेक्स्ट का टॉपिक है, बड़े पर्दे पर तीजन बाई का संघर्ष बहुत जल्द ही आने वाला है, यानी कि जो पांडवानी गायिका है, छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पांडवानी गायिका तीजन बाई, उनका बायोपिक बनने वाला है। और इनके बायोपिक में जो किरदार निभाने वाली है उनका नाम है मशहूर अभिनेत्री विद्या बालन। तो याद रखिएगा तीजन बाई की जो बायोपिक बनने वाली है यानी कि उनके ऊपर जो मूवी बनने वाली है उसमें मुख्य किरदार में होंगी विद्या बालन। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसे आप लोगों को बहुत ध्यान से रखना है। चलिए, और आपको तो पता है कि भारत सरकार की तरफ से तीजन बाई को जितने भी सर्वश्रेष्ठ सम्मान होते हैं, अगर हम भारत रत्न को हटा दें तो सारे सम्मान जो है तीजन बाई को प्राप्त हो चुके हैं। जैसे पद्मश्री इन्हें कब मिला, याद रखिएगा पद्मश्री इन्हें 1988 में मिला। इसके अलावा इन्हें पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया, पद्म भूषण से इन्हें 2003 में सम्मानित किया गया। इसके अलावा 2019 में इन्हें जो है
पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। सिर्फ भारत रत्न बचा हुआ है, इसके अलावा भारत सरकार के जितने भी सर्वश्रेष्ठ सम्मान होते हैं वो सब माननीय तीजन भाई को प्राप्त हो चुका है। इसके अलावा 1995 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी से भी सम्मानित किया गया है। इतने फैक्ट्स को आपको तीजन भाई से रिलेटेड भी याद रखना है, क्लियर है। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 2020 हर साल आयोजित किया जाता है। कहाँ इसका आयोजन किया जाता है? गोवा में किया जाता है। हालांकि नवंबर के महीने में प्रत्येक वर्ष इसका आयोजन होता है, लेकिन इस वर्ष कोरोना की वजह से यह जनवरी में आयोजित किया जाएगा 2021 में। कौन सा एडिशन होगा? मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है, 51st एडिशन होगा। कहाँ आयोजित किया जाएगा? गोवा में किया जाएगा। कब से कब तक? 16 से 24 जनवरी 2021 के बीच। फीचर श्रेणी में चुनी गई 18 क्षेत्रीय भाषा की फिल्में, यानी कि इस वर्ष जो है जो रीजनल फिल्म्स होते हैं उनका दबदबा बहुत ज्यादा रहा इस अवार्ड में, जिसमें से 18 क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्म है फीचर श्रेणी में, जिसमें से एक जो फिल्म है छत्तीसगढ़ी का भी फिल्म है। इसलिए यह टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उस छत्तीसगढ़ी फिल्म का नाम है अ डॉग एंड हिज मैन, जो कि डायरेक्ट किया है इस फिल्म को सिद्धार्थ त्रिपाठी ने। याद रखिएगा इस फिल्म फेस्टिवल से रिलेटेड कहाँ आयोजित किया जाता है, कब से कब किया जा रहा है, कौन सा एडिशन है, छत्तीसगढ़ी का कौन सा फिल्म है, कौन इसे डायरेक्ट किया है, इतने पॉइंट्स को आप याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन आता है तो सॉल्व कर पाओगे। चलिए इसके बाद जो अगला टॉपिक है, बस्तर में सिंथेटिक फुटबॉल का मैदान बनाया जाना है। इसके लिए हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल भी मिल गया है। तो जो इस तरह से स्पोर्ट्स वाले होते हैं, अवार्ड वाले सेक्शंस होते हैं, सीजीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन होता है, तो इसे आप बहुत अच्छे से करके जाइएगा। तो बस्तर जिला के मुख्यालय जगदलपुर में 5 करोड़ रुपए की लागत से सिंथेटिक टर्फ फुटबॉल ग्राउंड का यहाँ पर निर्माण किया जाएगा। और खेल से संबंधित जो है छत्तीसगढ़ का एक नारा भी है, यानी कि जब से नई गवर्नमेंट बनी है या फिर पहले भी गवर्नमेंट, तो छत्तीसगढ़ में स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए कई बड़े कदम उठाए गए हैं। और प्रेजेंट गवर्नमेंट की तरफ से छत्तीसगढ़ में स्पोर्ट्स को डेवलप करने के लिए, खिलाड़ियों को बेहतर सुविधा देने के लिए एक नारा भी दिया है, खेलबो जीतबो गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। याद रखिएगा। और स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपको क्या याद रखना है, इस साल छत्तीसगढ़ खेल विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किया गया। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष जो है मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी हैं। और इसके उपाध्यक्ष कौन है? तो उपाध्यक्ष है खेल मंत्री उमेश पटेल, क्लियर है। खेल विकास प्राधिकरण से रिलेटेड भी आप याद रखिएगा। रायपुर में जिस प्रकार से पहला अत्याधुनिक अंतर्राष्ट्रीय टेनिस स्टेडियम बनाया जा रहा है, इसके अलावा एकेडमी भी बनाया गया है, तो इस तरह से स्पोर्ट्स से रिलेटेड इन सारे फैक्ट्स को आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। याद रखिएगा कि पहला जो है टर्फ फुटबॉल ग्राउंड कहाँ बनाया जा रहा है, तो जगदलपुर में बनाया जा रहा है। 5 करोड़ रुपया लागत है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल मिल गया है। आज की इस एनालिसिस वीडियो का जो हमारा लास्ट का टॉपिक है, मोतीलाल वोरा का हाल ही में निधन हो गया है। मोतीलाल वोरा कौन थे इन्हें बताने की जरूरत नहीं है, बहुत ही दिग्गज नेता थे कांग्रेस के और वर्तमान समय में राष्ट्रीय कांग्रेस के कोषाध्यक्ष थे, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 20 दिसंबर 1927 को। मृत्यु कब हुआ? 21 दिसंबर 2020 को। ये कितने वर्ष के थे? तो 93 वर्ष के थे। कहाँ के रहने वाले थे? तो दुर्ग के रहने वाले थे। और 2000 से 2018 तक, यानी कि 18 साल जो है राष्ट्रीय कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रह चुके हैं। 2 बार ये अविभाजित मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। और 16 मई 1993 से 3 मई 1996 तक ये उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भी रह चुके हैं। अगर आपका सीजीपीएससी करंट अफेयर्स से अपडेटेड रहता है, डेली न्यूज़पेपर्स पढ़ता है, अगर वो ऑथेंटिक करंट अफेयर्स से, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स से आपसे क्वेश्चन पूछता है, तो ये टॉपिक पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक बन जाती है। अगर जो क्वेश्चन जो लोग सेलेक्ट करते हैं, अगर वो करंट अफेयर्स से अपडेटेड रहते हैं, तो ये क्वेश्चन जरूर उठेंगे, क्लियर है, ठीक है। तो आज के इस एनालिसिस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा सबसे पहले मैं उसका आंसर दे देता हूँ। हाल ही में दिल्ली प्रज्ञा फाउंडेशन द्वारा सही गवर्नेंस इंडेक्स वाले में आंसर में होगा ये ऑप्शन 3, इसका सही जवाब होगा। एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, समय की बर्बादी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने बहुत ब्रीफ में एनालिसिस किया था, तो एक्सप्लेनेशन चाहते हो तो पिछला वीडियो देख लीजिएगा। गोधन न्याय योजना की शुरुआत की गई है, तो कितने रुपए पर किलो के हिसाब से गोबर की खरीदी की जा रही है? तो 2 रुपए पर किलो के हिसाब से गोबर की खरीदी की जा रही है। तीसरा क्वेश्चन था अत्याधुनिक फिल्म सिटी का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो नवा रायपुर में किया जाएगा इसका निर्माण। इसके अलावा एक क्वेश्चन था मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा कहाँ गोधन एम्पोरियर का उद्घाटन किया गया है? तो अंबिकापुर में किया गया है। अंबिकापुर से रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट्स याद रखिएगा।
स्वच्छता सर्वेक्षण शहरी क्षेत्रों का जो रैंकिंग रिलीज हुआ उसमें आपका अंबिकापुर को 1 से 10 लाख जनसंख्या वाले में पहले स्थान पर रखा गया है। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले सूची में आपका अंबिकापुर चौथे स्थान पे है। इसके अलावा 5 स्टार गर्वेज फ्री सिटी में भी अंबिकापुर शामिल है। पूरे देश भर से 5 शहर शामिल है जिसमें से अंबिकापुर भी है। क्लियर है? तो आज के इस एनालिसिस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कंपटीशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।